नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। युवा कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने 9 फरवरी यानी मंगलवार को दिल्ली में संसद का घेराव किया। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस ने इस घेराव का ऐलान किया था। दिल्ली से आए निर्देश के बाद युवा कांग्रेसियों का दिल्ली जाने का दौर जारी रहा। इस घेराव कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बताते हुए कांग्रेस ने कहा कि वर्तमान में जिस तरह से मोदी सरकार किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी बता रही है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि जो भी आम आदमी इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा वो आतंकवादी कहलाएगा। किसान विरोधी कानून के खिलाफ संसद भवन का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि संसद घेराव कार्यक्रम करने की जरूरत आज मोदी सरकार की नीतियों के कारण बनी है। करीब 80 दिनों से अपनी जायज मांगों को लेकर भारत की आत्मा कहे जाने वाले किसान आज आंदोलनरत हैं। आंदोलनरत किसान बीते वर्ष मोदी सरकार के लाए गए 3 काले कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। वे जानते हैं कि यह कानून उनके खिलाफ है और खेती से अलग करने का षड्यंत्र है। इतने बड़े आंदोलन के बाद भी मोदी सरकार अपने निर्णय से पीछे हटने को तैयार नहीं। स्थिति आज ये है कि इस आंदोलन में आज कई किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। मैं आपसे अनुरोध यही करता हूं, हमारी भावी पीढ़ी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, जिन्होंने पैंडेमिक के कोरोना के बारे में सबसे पहले देश को आगाह किया था, उनकी मजाक उड़ाई गई थी। डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि घबराने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने कहा था हम महाभारत जीते 18 दिन में, कोरोना जीतेंगे 21 दिन में। थाली बजाओ, घंटी बजाओ, दिया जलाओ। आज अगर हम देखें, केवल राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश को आगाह कर दिया था कि हमारा संकट काल आ रहा है, होशियार हो जाइए, समझ जाइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं समझ पाई। राहुल गांधी का नेतृत्व हमें स्वीकार तो है, लेकिन हम मांग भी करते हैं। राहुल जी 2019 के अंदर, उस समय अगर देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा था तो केवल राहुल गांधी उठा रहा था और कोई नहीं उठा रहा था। नतीजे जो भी रहे हो हमें उसकी चिंता नहीं है, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि वो राहुल गांधी जिसने हमेशा ईमानदारी से हक की लड़ाई लड़ी है, जिसने ईमानदारी से चीन में जो घुसपैठ हो गई उसको उजागर किया, पैंडेमिक उजागर किया और पूरे तरीके से आज मजदूरों के और किसानों के हक में जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें उनको तैयार करना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। क्योंकि आज यदि 2019 में हम लोग चुनाव नहीं जीते तो केवल राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं थे, हम उसके लिए जिम्मेदार थे। हम सबको स्वीकार करना चाहिए। इसलिए आज मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज आप सब लोगों ने यहां पर हजारों में आकर नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए तैयारी की है, मैं आपको बधाई देता हूं। और जो लोग चुनकर आए हैं उनको भी मैं बधाई देता हूं। मैं श्रीनिवास जी से इतना कहूंगा कि जो चुनकर आए हैं उनको नीचे तक अपनी टीम बनाने के लिए पूरा उनका अवसर दीजिए। और मैं विशेष तौर पर जो अध्यक्ष चुने गए हैं उनको मैं कहूंगा कि मूल रूप से राहुल गांधी का मकसद यही था कि जो जीत गया वो तो अध्यक्ष बन गया, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे नंबर के आए उनको भी हमें समेट कर साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तभी हम संगठन को मजबूत कर पाएंगे। आप जीत गए अकेले इसका मतलब ये नहीं, आग अकेले नहीं होता है। संगठन को मजबूती तब मिलेगी जब सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन साथ में मजदूर और किसानों की लड़ाई लड़ना और उनके लिए जिंदाबाद करना और अच्छी बात होगी। इसलिए आज जो लाखों लोग हमारे किसान ठंड में, बरसात में ठंड लाठियां खा रहे हैं, उनके ऊपर टीयर गैस छोड़ा जा रहा है, ठंड में ठंडे पानी का बौछार किया जा रहा है, उनके साथ मिलकर हमें लड़ाई लड़ना है और इसलिए हम लोग उनके पक्ष में लड़ाई लड़ेंगे। इसी तरह से मजदूरों के खिलाफ भी इन्होंने कानून बना दिए, 44 मजदूरों के हित के कानून हटाकर उन्होंने 4 कानून बना दिए,
जो कि पूरे तरीके से मजदूर के विरोधी हैं। इसलिए किसान और मजदूर और साथ में ये MSP खत्म करना चाहते हैं, ये PDS खत्म करना चाहते हैं। और आज हालात ये हो गए हैं कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है और वो पार्टी जो कि 50-50 पैसा और 1-1 रुपया लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती थी तो आंदोलन प्रदर्शन करते थे, 5-5, 10-10 रुपए अगर गैस की टंकी पर कीमत बढ़ती थी तो आंदोलन प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज वो सारे लोग सत्ता में बैठकर रोज रोज कीमतें बढ़ा रहे हैं और जो आंदोलन कर रहे हैं वो। चलिए अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, विवेक पाठक जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, इसके अलावा कांग्रेस से अजीत सिंह दौला जी हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ANB न्यूज पर। अजीत जी, पहले आपके पास आना चाहेंगे। आज संसद के घेराव का कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा किया गया और हमने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस आज दिल्ली पहुंची है। अलग अलग राज्यों से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आए और यहां पर संसद घेराव का कार्यक्रम करने की कोशिश की गई। खुद दिग्विजय सिंह भी यहां पर पहुंचे। मकसद क्या है इन कार्यक्रमों? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस देश में करीब 70% किसान है। किसान पिछले 80 दिन से सड़क पर है। वो चाहता है कि उसकी खेती सुरक्षित हो, उसका खेत सुरक्षित रहे, उसके बच्चों का जीवन सुरक्षित हो, उनकी रोजी रोटी का जो साधन एकमात्र खेती है उन किसानों की ये सुरक्षा बनी रहे और इसके लिए जिम्मेवारी सरकार की बनती है। लेकिन दुर्भाग्यवश जिसकी आमदनी दोगुना करने का वायदा सरकार ने किया था, जिनकी कर्ज मुक्ति करने का काम वादा किया था सरकार ने और ये कहा था हम आपकी आमदनी दोगुना करेंगे, और आज देखने का ये जो तस्वीर दिख रही है उसमें आमदनी दोगुनी नहीं हुई, लेकिन हाँ खर्च जरूर दोगुना हुआ है। चाहे वो बिजली के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, यूरिया के दाम बढ़े, कीटनाशक दवाइयों के दाम बढ़े और तमाम चीजें महंगाई बढ़ती गई, लेकिन किसान के उत्पादों की कीमत घटती गई है। अब सवाल सिर्फ इतना है, एक तरफ बाप उनका किसान की आमदनी दोगुना करने का वादा करते थे, उसके उसका आमदनी बढ़ेगी, उसकी सुरक्षा मिलेगी, लेकिन अंत में हुआ क्या? सरकार ने वो काम कर दिया जिसने जिसके लिए सरकार ने किसानों ने कभी सोचा नहीं था। आज आप देखिए किसान आज वहां खड़ा है, वो कहता है मेरी खेती बचाओ, मेरा खेत बचा दो, मेरे बच्चों का भविष्य इस खेती में निर्भर है, आप क्यों इस MSP के खिलाफ, APMC के खिलाफ, क्यों इस मेरी खेती को बड़े बड़े पूंजीपतियों के हवाले क्यों करना चाहते हो? जो कानून लाए गए वो किसानों के कानून थे ही नहीं, वो कानून ही बड़े पूंजीपतियों के पक्ष के हैं। तो किसान 80 दिन से खड़ा है, 200 से अधिक जाने चली गई हैं और हमारी सरकार जो जो देश की जनता ने किसानों ने बड़ी भारी बहुमत के साथ चुना, आज वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि मेरी जान भी जा रही है, आप मुझे किसान नहीं मानने को तैयार, कोई बात नहीं, पर मेरी खेती, मेरे खेत मुझे तो बचाने का काम करो, ये कानून जो आपने बनाया है ये मुझे बर्बाद कर देगा, मिटा देगा, मैं चाहता हूं ये कानून खत्म हो, इस कानून को वापस ले लीजिए और मुझे मुझे पुराने हाल पे छोड़ दीजिए। आप अगर दे सकते हो तो MS दे दीजिए, चाहे वो प्राइवेट व्यापारी हो, MSP खरीदने का काम करे। तो इन मुद्दों पर सरकार के सामने किसान बैठा है, बातचीत हो रही है किसान की सरकार से, लेकिन कोई परिणाम की तरफ कोई नहीं बढ़ने को तैयार। और यहाँ तक सवाल है, चाहे कृषि मंत्री जी हो, चाहे दूसरे सरकार के मंत्री जी हैं, चाहे अब तो प्रधानमंत्री जी ने भी कल जो राज्यसभा में जो बयान दिया उससे जो संदेश जा रहा है वही लग रहा है कि आपने छोटे बड़े किसान को बांटने का काम किया, आपने किसान के आंदोलन को गंभीरता से लेने के बजाय उसको ये कहा कि साहब ये तो आंदोलनजीवी लोग हैं, ये तो देश की नींव ही आंदोलन पे पड़ी है, ये देश अगर आजाद हुआ तो ये आंदोलन जीवियों के संघर्ष के बदौलत देश आजाद हुआ। आप पता नहीं किस जीवियों की बात करते हैं, आप कभी श्रम के खिलाफ, श्रमिकों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, दूसरा कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, उन सब को लेकर आज ये जो है पूरा प्रदर्शन किया गया, बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पर जुटे। एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं विवेक जी से। अजीत जी, विवेक जी देखिए, कभी आप भी देख रहे होंगे कि किस तरीके की ये तस्वीरें जो हैं सामने आ रही हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संसद घेराव का आज कार्यक्रम आयोजित किया, इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी अब एक अभियान शुरू कर दिया गया है, अब वहां पर भी लोग कांग्रेस से जुड़ना शुरू हो चुके हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे इस पर, सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस सामने अब खुलकर आ रही है और लगातार लोगों से सहयोग और समर्थन की अपील भी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है।
जैसा कि मेरे ये भाई बता रहे हैं कि ये कांग्रेस ने घेराव किया है, संसद का घेराव किया है, भारतीय जनता पार्टी ने सब तहस नहस कर दिया है। अरे भाई साहब, 70 साल में आपने तहस नहस क्या किया था? ये आंदोलन आपका आंदोलन है या फिर ये कांग्रेस पार्टी का आंदोलन है या फिर ये किसानों का आंदोलन है? आप बताइए, जिस तरह से आप लोगों ने किसान लोगों के लिए बदनाम किया हुआ है, कांग्रेस वालों ने किसानों के आंदोलन में घुस करके जिस तरह से तबाही और तांडव और देश के लिए एक मोड़ पे ले जाकर के रख दिया है, जहां से निकलना तो दूर की बात साहब, पीछे मुड़कर देखना भी बड़ा मुसीबत भरा हो चला है। आप बताइए, जिस तरह से आप लोग ये मोदी जी का विरोध करते 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 देश विरोध पे आ गए, आप किसानों का आंदोलन रह गया ये? आप बताइए, क्या ये किसान का आंदोलन है? एक किसान जाकर के वहां कहता है कि हम देश को गड्ढे में डाल देंगे, देश में आग लगा देंगे, तिरंगा झंडा को फाड़ देंगे। आप टिकैत साहब पे आता हूं, मैं अपने मुख्य बिंदु पे आता हूं। टिकैत साहब कह रहे हैं कि ये किसान का आंदोलन है, जो कि टिकैत साहब जिनकी जमानत जब्त हो गई थी, वो भी तो एक चुनाव लड़के आए थे, उनकी भी एक चुनावी प्रक्रिया थी ना। वो ये कह रहे हैं किसान का आंदोलन जब तक चलता रहेगा, तब जब तक कि ये सांसद और विधायकों का पेंशन खत्म नहीं हो जाता। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, भला सांसद निधि से या सांसदों के वेतन से या सांसदों की पेंशन से, विधायकों के वेतन से या विधायकों की पेंशन से, इन किसान भाइयों के आंदोलन का क्या मतलब रह जाता है? आप बताइए मेरे लिए, टिकैत साहब ने जैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि ये किसान का आंदोलन जब तक चलता रहेगा कि जब तक हमारे लिए सांसद जी, सांसदों का वेतन, सांसदों की पेंशन खत्म नहीं हो जाती। मैं जानना चाहता हूं, आज पूछता है एएनबी न्यूज, टिकैत साहब बताइए आपकी फसल पे कितने पानी लग चुके हैं, आपकी फसल पकाऊ है नहीं है, आपकी फसल कितनी बढ़ चुकी है? आपको ये नहीं मालूम कि किसानों के खेत में कितना पानी लग चुका है, किसान की फसल कितनी उग चुकी है, किसान की फसल पकने पे है या नहीं पकने पे है, किसान की फसल कच्ची है या नहीं कच्ची है? उनको ये तक नहीं मालूम, जो आदमी सड़कों पर बैठा हो वो किसान की हित की बात कर रहा है? आज तो मेरे लिए शर्म शर्म कर देनी वाली बात आ गई है। आप लोग जिस तरह की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह की राजनीति चली है, जिस तरह का षड्यंत्र किया हुआ है, ये अपने आप पे दुर्भाग्यपूर्ण है। ये किसान आंदोलन था, हम भी कह रहे हैं किसान आंदोलन था, हम किसी को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं। आप किसान आंदोलन पर तो बोल दिया विवेक जी, एक ये भी था कि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं, इनके खिलाफ भी आज कांग्रेस सड़कों पर नजर आई है, इनको लेकर क्या कहना है कि ये भी राजनीतिक षड्यंत्र है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है? ये जो पेट्रोल है, ये डीजल है, पिछले 2014 से तो ये बढ़ा है। पहले तो ये 25 पैसा में मिलता था, 2013 में तो 25 पैसे में और 20 पैसे में मिल रहा था, 2010 में मिल रहा था, उसके बाद जितने भी मनमोहन सिंह है कांग्रेस पार्टी की 70 सालों से ये 20 पैसे में दे रहे थे। ये बात वो नहीं है, ये बात इनकी सिर्फ इतनी है कि इनके लिए विरोध करना है। ये जितने भी लोग हैं, ये तो कोई तर्कसंगत बात आपने बोली नहीं। नहीं विवेक जी, इसमें तर्कपूर्ण क्या रहा कि उस समय क्यों कौन सा सस्ता मिल रहा था? अरे उन्होंने नहीं किया, आपसे यही तो उम्मीद थी, आप ही ने तो महंगाई पर लंबे लंबे भाषण दिए थे, अब आप भी नहीं कर पा रहे, ये किस तरीके की बात हुई? देखिए मैं आ रहा हूँ, हाँ मैं अभी की जवाब बता रहा हूँ। जिस तरह से इनकी इनकी जब सरकार थी, प्याज के रेट क्या हुआ करते थे, टमाटर के रेट क्या हुआ करते थे, गरीबों तक प्याज नहीं पहुंचती थी, गरीबों तक टमाटर नहीं मुहैया हुआ करते थे। फिर वही 2014 के बाद में गरीब किसान या गरीब भाई कोई भी हो, उसके घर तक प्याज पहुंचाई गई। हम लोगों ने एक बैंक सुविधा उपलब्ध कराई, हमारी जहां भी सरकार है और राज्य सरकारों ने एक बैंक और एक प्रबंध किया कि जो लोग गरीब है उनके घर तक हम टमाटर और प्याज उनके दरवाजे तक पहुंचाएंगे। ये सिर्फ हुआ भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली के अंतर्गत हुआ, नीतियों की वजह से हुआ, नियत की वजह से हुआ। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जो कि उनके आंसुओं पर राजनीति करेंगे। हम गरीबों के आंसू पहुंचते भी हैं, गरीब को इंसाफ भी दिलाते हैं, गरीब को भोजन तक पहुंचाते हैं, गरीब को छत भी देते हैं, गरीब के लिए पानी भी देते हैं, गरीब के लिए स्वच्छता भी देते हैं, गरीब के लिए सुरक्षा भी देते हैं, और गरीब के लिए सब कुछ देने की जो प्रतिबद्धता है वो हमारी है। ये कांग्रेस पार्टी 70 सालों की अपनी आवभगत में सिर्फ वीआईपी कल्चर के लिए जानी जाती है, लेकिन आज हमने पिछली पंक्ति में बैठा हुआ शख्स को हम अगली पंक्ति में लेकर आए हैं, सिर्फ हमारी मोदी का विश्वास। और ये भारतीय जनता पार्टी की ही बदौलत है जो आज सब लोग अपनी टक 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 से आपने ट्वीट कर देते हैं, फेसबुक पे कर देते हैं, ये नहीं हुआ हमारी सरकार में, फला ना हुआ था,
तब किसी की जवान में ताला पड़ जाता था, कोई बोलने को आमादा नहीं होता था, लेकिन आज सब लोग बोलते हैं। लेकिन ऐसा अगर हुआ है अच्छी बात है, ये सिर्फ मोदी की वजह से है। मोदी जी के लिए धन्यवाद तो कर दीजिए, मोदी जी के लिए दो शब्द नहीं कह सकते, कम से कम धन्यवाद तो बोलिए कि आपकी मुंह से आपके मुखार बिंदु पे जो ताला लगा हुआ था वो अब खुल चुका है। चलो मैं बात करता हूं, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये जो कुछ जमात के जो कुछ बिरादरी है, ये जो है, ये जो लोग हमारे देश के लिए गड्ढे में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक परजीवी है, बताया ना, ये जमात इकट्ठी हो चुकी है, ये कुछ लोग जो है वो दूसरों पे आश्रित रहते हैं, वो एक दावत सी देखते हैं कि कहीं पे दावत हो रही हो तो उस दावत में जाकर के बैठ जाए, उस पंगत में बैठ जाए, और बाद में कहते हैं कि हम तो घूम के उठ के आ गए, उस दावत में तो हमारे लिए रायता नहीं था, रायता को फैला देते हैं, पूड़ियों को गर्म जो पूड़ी आती है उसको वापस कर देते हैं, और ठंडी पूड़ी लेके आ जाते हैं, दिखाते हैं देखो हमारे पास तो ठंडी पूड़ी आई थी। ये तो इस तरह के लोग हैं, ये तो दोगली बात के लिए जाने जाते हैं, ये द्विभाषीय लोग हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, इनकी बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने, मैं फिर भैया आ रहा हूं, जिस तरह से इन्होंने आंदोलन को भटकाने का काम किया है, अब वो आंदोलन नहीं रह गया है, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी का विरोध है, देश का विरोध है, कांग्रेस पार्टी का विरोध है, विपक्ष वालों का विरोध है, जितने भी विपक्ष वाले बैठे हो वो सब मिलकर के मोदी का विरोध कर रहे हैं। और ये आम जनमानस के लिए जिस तरह से विरोधी लोग उन तक सुविधा न देने के लिए अड़े हुए, अड़ियल रवैया अपनाया गया है, तो इन कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही अपनाया गया है। ठीक है अजीत जी, धन्यवाद कर दीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कोरोना काल में इतने लोगों की नौकरी चली गई, और अब भी कई ऐसे लोग हैं जो आधी सैलरी पर काम कर रहे हैं, और उस हालत में पेट्रोल डीजल के दाम जो है आसमान छू रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब अन्य वस्तुओं पर भी जो है महंगाई बढ़ ही जाएगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल से ही बहुत सी चीजें जुड़ी रहती है। तो एक बार धन्यवाद कर दीजिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने पल्लवी जी, वैसे तो मुझे बड़े हंसी भी इस बात को आ रही थी, पाठक जी कितने बढ़िया तरीके से भाषण देते हैं, मतलब आप गरीबी पे मजाक उड़ा रहे हो, किसान का मजाक उड़ा रहे हो, इतनी तो कसम सम लिहाज रहनी चाहिए। 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया ये मत कहो, आपको 2014 में देश सौंपा है, और पूरी जनता ने, पूरे देश ने आपको दिया कि मौका, कांग्रेस अच्छा नहीं कर पाई, शायद आप अच्छा करोगे, आपने जो वादे किए कौन सा निभाया? आप जिन किसान आंदोलन को बदनाम करने की बात कर रहे हो, कभी कहते हैं कांग्रेस और विपक्ष के द्वारा संचालित है, आपको ये बात कहते दावे हिचक नहीं आ रही कि 200 से अधिक जाने चली गई किसानों की, जो आप अपनी अपनी जायज मांग के लिए बैठे हैं, आप उनसे गंभीरता बात करने को तैयार नहीं है, और आप बात कर रहे हो कि आप आए तो थे महंगाई कम करने के लिए, आपने बढ़ाने का काम किया, आप तो 35 रुपए पेट्रोल देने के लिए आए थे, आप महंगाई खत्म करने के लिए आए थे, आपने कहा था काला धन लेके आएंगे, आपने कहा हम दुगुनी करेंगे, कर्जा मुक्त करेंगे किसानों को, आपने वादे जो किए आप निभाने का काम नहीं किया, और आप किसान से बात करने को तैयार नहीं है। आप जहां तक आपने राकेश टिकैत की बात कही है, आप बेशक आप चुनाव लड़े, वो किस दल से रहे, वो चुनाव लड़े, उनकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन आज वो जिस किस काम के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो किसान धर्म निभाने का काम कर रहे हैं, वो किसान के साथ खड़े हैं, अन्नदाता के साथ खड़े हैं, और अन्नदाता के हिफाजत में खड़े हैं, उन्होंने सब कुछ कुर्बान किया, सब कुछ लगा दिया आप पर, और हो सकता है उसमें जमात वोट कम मिली, आपको जिता दिया, आपने क्या किया? आपको अगर शक्ति मिली है तो गरीब की हिमायत करो, किसान की मजदूरी, मजदूर की मदद करने का काम करो, आपकी ताकत तब सिद्ध होगी जब आपकी कलम गरीब के हित में काम करेगी, किसान के हित में काम करेगी, आप किसान को मिटाने का काम करोगे, सड़कों पर गड्ढे खोद के तार कील लगाकर, ये क्या संदेश देना चाहते हो? वो किसान जो रात दिन आपके साथ खड़ा तब अच्छा था, आज वो अपनी बात करता है, अपनी खेती बचाने की बात करता है, उन कानूनों को जो उसके खिलाफ है उसको वापस लेने की बात करता है, तो आज खराब है, आप देश द्रोही है, देश का गद्दार हो गया, तो आप कैसी, मतलब हैरानी इस बात की है, किसान की बात करते हो, किसान के बारे में पढ़ के आओ पहले, तो आप किसान के बारे में पढ़ो, अपनी पार्टी की नीतियों को पढ़ो, आप देखो अपनी पार्टी की नीतियां क्या थी, वादे क्या थे, आपने किया क्या है, और किसान की हालत क्या है, किसान मांग क्या कर रहा है, किसान की मांग जायज है, और कांग्रेस पार्टी के आदरणीय राहुल गांधी जी जो पार्लियामेंट में हमारे तमाम सांसदों ने और तमाम संघर्ष किया, वहां आवाज उठाई, इसके खिलाफ आवाज उठाई, राज्यसभा में चिल्लाई, लेकिन आपने सुनने वाले नहीं थे, राज्यसभा से और संसद से आपने जबरदस्ती इस कानून का पास कराया, उसके बाद किसान संगठनों की अपील आपने सुनी नहीं, ना उनसे सलाह मशवरा किया, ऐसी क्या मजबूरी और हैरानी थी कि आपने कोरोना टाइम में इसको लेकर आए, ऐसी क्या वजह थी? आप जहां इमरजेंसी था, आप देश कोरोना से COVID-19 से लड़ रहा था, आप इस कानून बनाने लग रहे थे, तो आपने जो काम किया आप समझा, फिर भी आप किसानों के हक की बात कर रहे हो, आंसू नहीं आने दोगे, बड़ा आदर करते हो, बड़ा सम्मान करते हो, उनको इतनी गालियां दे रहे हो, आपने अंत में उसको परजीवी कह दिया, तो आप बताइए 70 सालों में चूंकि आप राजकाज में कम रहे हो, आपसे बड़ा परजीवी कौन है?
भारतीय जनता पार्टी का हर नेता परजीवी है जो हर आंदोलन में रहा। आप सत्ता में तो आए कितने दिन के लिए, तो आप आंदोलन में परजीवी तो रहे, आप उनको बचा करने के बजाय उनकी मदद करो, उनके साथ खड़े होने का काम करो, उनकी जो बात है उनके जो जो मुद्दे हैं उनको गंभीरता से लो। और ये किसान है, अन्नदाता है, हम सबके प्राणों की रक्षा करता है, सबको अन्न देता है, रोटी पैदा करता है, आप उसके मजाक उठा के क्या क्या संदेश देना चाहते हो? ये ताकत दी आपको, जो ताकत मिली है ये ताकत उसके उसके हितों की रक्षा करो, उसके उनके हक में कलम चलाने का काम करो, उनके हक में कानून बनाने का काम करो। ये ताकत उन्हीं किसानों ने दी थी जब बहुत अच्छे लगे। आज वो अपने अधिकार को मांग कर रहे हैं, अपनी खेती को बचाने की बात करते हैं, अपने बच्चे की भविष्य को बचाने का बात करते हैं, तो आपको खराब लगने लगे। आज वो परजीवी हो गए, आतंकवादी हो गए, खालिस्तानी हो गए, तो आप भी जान रहे हैं। अजीत जी ठीक है, आप अपनी पार्टी का धर्म निभा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात ऐसी है कि उस किसान आंदोलन के जिस आंदोलन की आप बात कर रहे थे, वहीं कई किसान संगठन के नेता भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब सिर्फ राजनीति हो रही है। चिल्ला बॉर्डर पर जो लोग बैठे हुए थे धरने पर, इसी किसान आंदोलन की मैं बात कर रही हूं, अब उन नेताओं से अगर हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि राकेश टिकैत को अब जिद छोड़ देनी चाहिए और इसी तरीके से बातचीत का माहौल बरकरार रहे, अब सिर्फ राजनीति हो रही है। तमाम नेता ऐसे हैं जो ये बात खुलकर कह रहे हैं कि अब सिर्फ राजनीति चमकाने का काम हो रहा है। तो अब ये जो है दोनों पक्षों पर छोड़ देते हैं कि किस तरह से ये लोग बातचीत का बनाएंगे और आगे जो है समस्या के समाधान पर ध्यान देंगे। ठीक है, बोलिए विवेक जी, अब आपके पास आना चाहेंगे। पल्लवी जी, मैं आपकी आपने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि मोदी जी के लिए तालियां बजा दीजिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी के लिए कि कोरोना काल में, कोविड के जब समय चल रहा था, जब सारे लोग काल के गाल में समाते हुए जा रहे थे, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सूझबूझ के साथ में हमारे भारतवासियों को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा कदम उठाए थे, उन लोगों के लिए सारे उपाय बताए गए थे कि कैसे कैसे हम लोगों को कोरोना काल से दूर रहना है और इस कोविड की जो महामारी है इसको भी समाप्त करना है और अपना जीवन काल जो है जीवन चक्र को सुचारू रूप से संचालित हो सके इसके लिए क्या क्या कदम उठाने होंगे, वो सब हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने किए थे। और बात करते हैं आप ताली बजाने की, अरे शुक्र करिए कि हमारे देश में कम से कम लोगों की मृत्यु हुई है, कम से कम लोग हताहत हुए थे। याद करो अमेरिका में, याद करो फ्रांस में, ब्रिटेन में, ऐसे विदेशों में न जाने कितने लोगों की मौतों को आंकड़ा को छू गया था, हम लोगों को पता भी नहीं चला है कि आखिरकार उनका आंकड़ा क्या था। भारत में बैठे हुए कुछ लोग आंकड़ों को बताते हैं फिर कहते हैं कि भारत में मृत्यु तो बहुत कम हुई थी, बहुत ही कम हुई थी, क्योंकि मोदी जी ने सारे उपाय किए थे, मोदी जी ने उन विरोधियों की एक भी बात नहीं मानी जो चाहते थे कि ये देश हमारा विनाश की ओर चला जाए। आप बात करते हैं पीपी किट की, बात कर लिए जी साहब, भाई साहब आप कह रहे हैं आप पीएम केयर फंड में, आपको मालूम है जो पैसा आया था सारा वेंटिलेटर में दे दिया गया था, सारा कोविड में पैसा दे दिया गया था, तब जाकर के यह देश को सुरक्षा मिली है, तब इस देश के सारे लोग सुरक्षित हुए हैं। बात करते हो कि प्रधानमंत्री जी के लिए ताली बजा दो, ताली तो आप नहीं बजाएंगे। कमाल है विवेक पाठक जी, पहली बात तो ये कोरोना काल में रोजगार की मैंने बात की थी और आप व्यवस्थाओं पर आ गए, यही तो दिक्कत है कि हम जो है मुद्दे पर आते ही नहीं है। मुख्य मुद्दा मैंने क्या बोला उस पर आपने एक शब्द नहीं कहा, एक लाइन नहीं की और सारी की सारी बातें आपने व्यवस्थाओं के बारे में कह दी। मैं ताली बजाती हूँ कि हमने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया, मैं ताली बजाती हूँ कि वैक्सीन आई हमारे देश के महान वैज्ञानिकों के कारण, लेकिन मैंने शब्द रोजगार के लिए निकाला था कि कोरोना काल में बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, कई लोग ऐसे हैं जो आज भी आधे वेतन में काम कर रहे हैं और कई लोगों के पास तो रोजगार ही नहीं है। ऐसे समय में महंगाई बढ़ना, आप सोचिए उस आम आदमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, मेरी बात ये थी, लेकिन आप बात घुमाकर कहां ले गए। ये मैनिपुलेट करना कब बंद करेगी भारतीय जनता पार्टी? मैं आ रहा हूँ, स्टार्टअप इंडिया के तहत मुद्रा लोन के तहत 20 लाख लाखों करोड़ रुपया का जो उनके खातों में पैसा आया था वो बिजनेस के लिए आया था, व्यवसाय करने के लिए आया था। आज मझोले लोग देख लीजिए, छोटे छोटे लोग लेकर के अपना व्यवसाय लेकर के बैठे हुए हैं, वो कभी भूखे पेट नहीं मरेंगे। जिनमें करने की शक्ति होती है, उनके इरादे मजबूत जिनके होते हैं, वो कभी पीछे नहीं हटते हैं। इस बात की सरकार की प्रतिबद्धता है, अगर उनके पास में पैसा नहीं है, बेरोजगार है, तो वो सरकार के पास आइए, बैंकों के पास जाएं और वो अपना व्यवस्था करें और अपने व्यवसाय के लिए अपना पैसा ले सकते हैं, अपना व्यवसाय कर सकते हैं, वो भी न्यूनतम ब्याज दर के सहित।
ये नहीं कांग्रेस पार्टी में 10 लाख रुपया आता था और वो जाते जाते सिर्फ 3 लाख रुपया रह जाता था, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी के जमाने में जब ऊपर से पैसा चलता था तो जाते जाते नीचे तक घिस जाता था, इस वजह से पूरा पैसा नहीं मिलता था। आज भी आप किसी एक को भी बता दीजिए, कोई भी हमारे देश में कोई भी एक व्यक्ति कह दे कि ऊपर से अगर 10 लाख रुपया चला है तो उसके अकाउंट में 10 लाख रुपया ही गिरा है, ना कि 2,90,000 रुपया गिरा है। एक पैसे की हेरा फेरी नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा था तो फिर ये इंडस्ट्री कैसे डूब गई, फिर उद्योग जगत कहाँ संकट में है, ये आर्थिक विकास के इतना बढ़िया इतने बढ़िया हो चुका है तो किस कारण से आज आर्थिक रूप से विफल हो रही है, लेकिन इंडस्ट्री डूब गई, व्यापारी परेशान है, उद्योग जगत संकट में है, नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, तो ये सिर्फ इतना बढ़िया नीचे विधायक हुए इनकी बेरोजगारी का आलम यह है कि ये देश ग्रोथ पर आ गए हैं और ये चाहते हैं कि पूरा देश बिल्कुल। विवेक पाठक जी, अभी आपको मैं भी देशद्रोही नजर आ रही होंगी क्योंकि मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। आप कह रहे हैं एक आदमी बता दीजिए जो बता दे कि हेरफेर हो, या आप मुझे एक इंसान का, एक आदमी का, 135 करोड़ की जनता में एक आदमी का नाम बता दो जितनी आसानी से उसे लोन मिल गया, जितनी आसानी से आपने यहाँ बैठकर बातें कर दी। ये सेंटेंस बोल देना बहुत आसान है कि मुद्रा लोन मिल जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। सर, जब लाइन में लगकर वहां धरातल पर आप जाएंगे ना, तब पता चलेगा हकीकत क्या है, कितना मुश्किल है। ये तमाम जो आपने योजनाएं निकाल रखी हैं, इसका कितना लाभ लोगों तक पहुंच रहा है, इसकी जानकारी लीजिए पहले। आप आ रही हूं आपके पास, बोलिए अजीत जी। जानकारी है नहीं, जानकारी आपके पास है नहीं। ठीक है विवेक जी, अब आ रही हूं आपके पास। अजीत जी की बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, एक एक करके बात करेंगे। बोलिए अजीत सिंह जी। गैस पहुंचाई उनके घर तक, छत उनके घर को मुहैया कराया गया, छत दिलवाई गई, पानी दिलवाया गया, बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलवाया गया, उनके लिए बेरोजगारी भत्ता दिलवाया गया, और तो और साहब जिनके इरादे मजबूत थे उन लोगों को जाकर के बोल दिया गया कि आपके लिए पैसा हमारे दरवाजे पर है, बैंकों में जाइए सीधे। जो लोग बैंकों के दरवाजे तक नहीं जाया करते थे और उनकी चौखट पर चढ़ना मुश्किल था, बैंकों में ले जाने का काम हमने किया है, उनको पैसा दिलवाने का काम किया है। आज जो लोग बेरोजगार थे वो रोजगार कर रहे हैं, अच्छे से इनकम कर रहे हैं, परिवार को चला रहे हैं, कोई कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है जो बेरोजगार और ठल्ले और डल्ले घूमते रहे हो। ये लोग ढपली बजा करके घूमते रहते हैं, ये नाटकखोर लोग हैं, ये नाटकबाज हैं, ये बात नहीं मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनको विनाश नाश विनाश और सर्वनाश की आंकड़ों पर आना ही नहीं चाहते। विवेक पाठक जी कमाल है, ये क्या बात हुई सर, जो हमें अच्छा लगता है बस हम वही बोलेंगे क्या? हकीकत पर आइए तो सही, तमाम आंकड़े देखिए तो सही, आप कुछ देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, बस बोलना चाहते हैं सर। अजीत जी बोलिए। चुनावी सभा होंगी वहां देना अच्छी तरह से। अब यहाँ बतवारी सरकार की जो उपलब्धियां, जो जनता संघर्ष में है, संकट में है, बैंक तो डूब गए, आप बैंक लोन के नहीं बात कर रहे हो, बैंक तो डूब रहे हैं, उनकी हालत खराब हो गई है, बैंक में पैसा जमा सुरक्षित नहीं है, संकट बैंकों पर आ गया, फैक्ट्रियों पर, कंपनियों पर आ गया, व्यापारी संकट में है, रोजगार की सीमा, क्या बेरोजगारी आज के आजाद मुल्क में सबसे बड़ी सर्वोच्च स्तर पर इस समय बेरोजगारी की दर है, आप कैसी बात करते हो? भाषण देना मत, यहाँ भाषण नहीं, यहाँ तो ये बताओ कि आपकी पार्टी, आपकी सत्ता, आपकी सरकार ने कौन सी नीतियां ऐसी कारगर बनाई ताकि बच्चों को रोजगार मिला हो। जो पढ़े लिखे नौजवान थे आज नौकरियां देने के वादा कर रहे थे, आपने कहा 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, आप नौकरियां देने के बजाय आपने छीनने का काम किया, नौकरियां मिली नहीं और खत्म हो गई, नौकरियां छिन गई, आज बेरोजगारी दर सर्वोच्च स्तर पर है, आप पता नहीं कौन से किस दुनिया में जी रहे हो, किसान संकट में, मजदूर संकट में, बैंक संकट में, कंपनियां फैक्ट्रियां संकट में है, आज इस तरह से हालात है, और महंगाई कहाँ है? आज आप जो महंगाई कम करने के लिए आए थे आप वादा निभा नहीं पाए, आज गैस सिलेंडर की कीमत क्या है, डीजल की कीमत क्या है, पेट्रोल की क्या कीमत है, बिजली के दाम कहाँ है, आप तो इन्हें कम करने आए थे, आपने वो बढ़ाने का काम किया, तो सरकार पर जो बोझ डालने का काम कर रहे हो, बैंकों में करीब 19 प्रकार के टैक्स आपने लगा दिए जो कांग्रेस के जमाने में नहीं थे, और ये सिलेंडर के आपने 3 गुना दाम बढ़ाए हैं, तो ये सारी चीजें आपके सामने, महंगाई कम करने आए थे वो नहीं कर पाए, बेरोजगारी आप खत्म करने आए थे नहीं कर पाए, आपने बेरोजगारी की दर बढ़ाने का काम किया, आप 2 करोड़ नौकरी का वादा था नहीं दे पाए आप, तो जो बातें आपने नहीं निभा पाए उनको कहने के बजाय कांग्रेस के खिलाफ आप कांग्रेस को कोसने का काम मत करो, आप ये कहो कि हमने ये काम किया, आप अपनी बात बताने का काम करो, आप इसलिए कांग्रेस में खामियां होंगी तो हो सकता है इसलिए आपको देश की जनता ने राज सौंपा, सत्ता आपको इसलिए दी, और आप सत्ता का बैठ गए तो आपसे काम करने को तैयार नहीं हो, तो निभाने का काम करो, जो वादा किया वो निभाओ।
जो जिम्मेवारी मिली है उस काम करने का काम करो। ये नहीं कि अब आज कांग्रेस के पास फिर जाके भाई घूमते हो और ये कहते हो कि कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने जो किया आप नहीं कर सकते। कांग्रेस ने उस मंदी के दौर में देश के 82 करोड़ लोगों के भोजन का अधिकार दिया जो आज 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए किलो में भोजन मिलता है। आप करके देखिए आपको खिलाफ थे और देश के लोगों के लिए जो गरीब अंचल में रहते हैं उनको मनरेगा देकर रोजगार देने का काम किया आप जिसकी मजाक उड़ाते थे। हमारे हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कोविड के खिलाफ आपको आगाह किया लेकिन आप तो ट्रंप की रैली में वहां खर्च करने लग रहे थे। बड़ा पैसा खर्च किया साहब और लोगों की जान से खेल गया। सरकारें बचाने में बनाने में लग रहे थे मध्य प्रदेश में कोविड के टाइम पे आप कह रहे हो हम बड़ा आपने करिश्मा किया। जो आपने किया सबके सामने है। नोटबंदी से लेकर आज तक किसानों के आंदोलन तक आप कितनी जाने गए उनका हिसाब लगाइए। बेरोजगार नौजवानों की क्या हालत है उनकी उनका हिसाब लगाइए। बैंकों की हालत क्या है उसका हिसाब लगाने का काम करो। आप इनके सुधार करने के लिए आए थे आपने इनको मिटाने का काम किया है। कहां हो बाटक जी थोड़ा देख भी लिया करो इन चीजों को। ये वो चीज है जो आपको मौका है इस प्लेटफॉर्म पर अपनी सरकार के कार्यक्रम बताइए उसकी नीतियां बताइए उनको उपलब्धियों को बताने का काम करो ताकि जनता को पता लगे कि आपने क्या किया है। आप तुलना करोगे कहा फेंकोगे नहीं। हाँ आपने बेहतरीन काम किया झूठ में आप मास्टर हैं। आपके पास टेलीविजन है और टेलीविजन आपकी बात जारी है। आप ये चाहते हैं कि भाई चाहे फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो चाहे व्हाट्सएप हो ये तमाम चीज सोशल मीडिया पर टीवी पर आप बैठे हैं ये बात सही है। इसमें आप नंबर वन है और इसमें झूठ के साथ में आपकी दुकान ठीक चल रही है लेकिन आर्थिक स्थिति देश की बहुत संकट में है बहुत हालत खराब है। आप इस दिशा में काम करने का काम करो और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इन किसानों की गंभीरता को सुनेगी जो 80 दिन से बैठे हैं 200 से अधिक जाने चली गई हैं। किसान बिल्कुल जायज मांग कर रहा है इनकी बात को गंभीरता सुनो फैसला करो किसानों को गले लगाओ। ये किसान आपके ही हैं हमारे देश के लोग हैं अन्नदाता है पेट भरता हम सबका। ये रात दिन महंगाई में भी मुकाबला करता कोविड के टाइम में भी आप ये किसान ही था जिसने देश की जीडीपी को बचाने का काम किया। अगर ये बैठ जाता तो हमारे गोदाम में खाने का व्यवस्था नहीं थी भोजन नहीं होता। आज भोजन भी इसी वजह से उसका सम्मान करो उसका आदर करो और जो कल बिल ये आप लेकर आए हो बड़े बड़े पूंजीपतियों के हक में बिलों को वापस लेकर किसानों को गले लगाने का काम करो ताकि एक संदेश जाए कि किसानों के सामने सरकार ने फैसला किया और उनको गले लगाने का काम किया फिर मोटी बांध के देश आगे बढ़े देश की प्रगति पर देश को ले जाने का काम करो। आज वो काम हम कर नहीं रहे हम तो उनके खिलाफ खड़े हैं ऐसे सब जो हमारे देश के नागरिक नहीं है। तो सरकार को मिलकर काम करना चाहिए ना तो विपक्ष का सहयोग आपने लिया ना किसान संगठनों का सहयोग आपने लिया और किसानों के लिए आज वो आवाज उठा रहे हैं तो आप उनको किसान मानने को तैयार नहीं है। तो ये जो बातें हैं ये सरकार इन दिशा में भी आप सोचिए और ये विचार करो कि आप सही ट्रैक पर हैं। आप उनको कभी परजीवी कहते हैं कभी आंदोलनजीवी कहते हैं तो मैं समझ सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा परजीवी इस देश में कोई नहीं है चूंकि तो आप सत्ता में रहे नहीं और आपने विपक्ष में लेकर आंदोलन किए तो इसलिए आपसे बड़ा पैरासाइट कौन है आपसे बड़ा कौन है। और हम आदर करें आंदोलन से हमारी सरकारों को एक संदेश मिलता है। अगर कोई खामियां हैं सरकार की तो आंदोलनकारी समाज सेवी उनको उठाते हैं। ये तो अब सरकार को देखना होगा सर कि किस तरह से जो है पूरे समस्या का समाधान निकाला जाएगा इस दिशा में कैसे अग्रसर होते हैं। मैं आप दोनों मेहमानों से कहूंगी कि आप दोनों लगातार इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आपको बता दें कि किसान आंदोलन और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा संसद घेराव कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आई। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सेलिब्रिटीज के ट्वीट की जांच के आदेश के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार ने अब एक नई मांग की है। महाविकास आघाड़ी सरकार में कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने यह मांग की है कि अब यह सितारे किसानों के पक्ष में ट्वीट करें। भुजबल ने कहा है कि 2 महीने तक यह सभी सितारे चुप थे किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा था लेकिन अचानक एक साथ सभी लोग ट्वीट करने लगे हैं। अभी भी समय बचा हुआ है इसलिए किसानों के समर्थन में सेलिब्रिटीज ट्वीट करें। अगर इन सितारों पर कोई दबाव है यह पता चलता है तो हम इन सभी को सुरक्षा मुहैया करवाएंगे यह हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। भुजबल ने कहा कि अब तक 70 से ज्यादा किसानों की मौत इस आंदोलन में हो चुकी है लेकिन तब किसी भी अभिनेता ने कुछ नहीं बोला लेकिन एक दिन सभी सेलिब्रिटी ट्वीट करने लगे। इन सभी के ट्वीट में कई शब्द एक जैसे थे इसलिए जांच का आदेश दिया गया है। देखिए मैं तो पहले से बोल रहा हूं कि जो हमारे भारत के जो सितारे हैं उनको तो इसके पहले जो व्यक्त होना जरूरी था जबकि करीबन 100 आदमी की मृत्यु हुई है उस आंदोलन में बाल बच्चों को लेकर जो किसान बैठे हैं और जब बाहर के सेलिब्रिटी उसके ऊपर कुछ कहते हैं ट्वीट करते हैं तो तुरंत सारे के सारे एक साथ एक ही दिन में उठते हैं और कई सारे ट्वीट जो है एक एक लफ्ज एक एक अक्षर उनका वही है मतलब कि
डुप्लीकेशन है, मतलब कॉपी है एकदम, बिल्कुल एक लफ्ज़ का भी फ़र्क नहीं है। तो इसका मतलब है कि किसी ने जो है वो तैयार करके दिया है और कहा है कि इसको ट्वीट करो। ऐसा लगता है, ऐसा अखबारों में भी आया है। तो किसी ने सवाल पूछा होम मिनिस्टर को, तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग जो है इसकी जो है मालूम करेंगे कि क्या हुआ है। सर जरूरत पड़ी तो सुरक्षा भी देंगे, क्योंकि इस तरह से दबाव डाला जा रहा है, भारत रत्न का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो महाविकास आघाड़ी सरकार सर लता हो चाहे सचिन तेंदुलकर उनको सुरक्षा दी अगर ऐसा दबाव में पाया जाता है तो? भाई उनको तो सुरक्षा है भी और देना अगर नहीं है तो। और चलिए मेहमानों का रुख कर लेते हैं, दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, महाराष्ट्र की सरकार को हो क्या गया है? पहले सेलिब्रिटीज के ट्वीट की जांच के आदेश दिए, अब छगन भुजबल कह रहे हैं कि नहीं, अब तो सभी सेलिब्रिटीज को जो है किसानों के समर्थन में ट्वीट करना चाहिए। मतलब क्या अभिव्यक्ति की आजादी अब सरकारों के हिसाब से रहेगी क्या? केंद्र में किसकी सरकार है तो किसानों को समर्थन देना है या नहीं देना है, महाराष्ट्र सरकार क्या चाह रही है तो उस हिसाब से चलना है या नहीं चलना है, चल क्या रहा है या हो क्या रहा है? देखिए ये निजी विचार हो सकता है किसी का, लेकिन आप अंत में ये बात देखिए, मतलब पूरे देश में जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं, चाहे हमारे जो ऐसी प्रतिभा हैं जो जिनकी तरफ देश का युवा देखता है, देश की नजर जिनके ऊपर होती है, उनका ट्विटर हो, उनका बयान हो, उनका संदेश, वो बहुत 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 एजुकेशनल होना चाहिए। ऐसी बातें उनके उनके कलम से जानी चाहिए, उनके विचारों से जानी चाहिए, ताकि एक एक लेसन आम आदमी ले, और नौजवानों में वो बड़े एक मार्गदर्शक के रूप में होते हैं, तो हम सब लोग उनको फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग, तो उनको हम देखते हैं, तो उनका कोई एक्ट ऐसा ना हो जिससे झलकती हो कि वो कहीं किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप के खिलाफ है या देश के कहीं खिलाफ करते हैं। तो ये बात जरूर है कि उनको बड़ा बड़ी फॉलोइंग देश में उनके लिए होती है, तो उनके मुताबिक हम लोग आगे स्टेप बढ़ाते हैं। तो एक तो मेरा कहना यह है कि उस लेवल पे जो बड़ी हस्ती है देश की, वो हमारी देश की प्रॉपर्टी है, हम उनकी तरफ से आया हुआ कोई विचार, कोई लिखित में कोई संदेश आता है तो वो बहुत अच्छा हो, देश में होना चाहिए। और रही बात जो आपने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने कोई ऐसा आदेश दिया, मेरी नोटिस में तो नहीं है, इतना बात जरूर है कि मैं कोई विचार कहूँ कि भाई किसानों के हक में बात करिए, किसान देशभक्त किसान है, किसान चाहता आपकी नोटिस में नहीं है तो मैं आपकी नोटिस में ले आती हूँ। सर अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, अजीत जी, कांग्रेस की शिकायत पर अनिल देशमुख ने जांच के आदेश दिए हैं, तमाम सेलिब्रिटीज के ट्वीट की जांच कराई जाएगी कि इन सेलिब्रिटीज ने एक ही समय में या मिलता जुलता ट्वीट क्यों किया है, क्या फिर ये सरकार का दबाव है? अब उसके बाद छगन भुजबल कह रहे हैं कि नहीं, किसानों के समर्थन में आना चाहिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने खुला पत्र सचिन तेंदुलकर को लिखा है, तो मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि सरकारें देखकर अब यहाँ के लोगों को, देश के निवासियों को अपनी बातें रखनी पड़ेंगी? नहीं देखिए, आजादी है सबको, ये हमारे हमें अपने अपने विचारों की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, हर इंसान को है, हर देशभक्त को है, देश के नागरिक को है, इसमें कहीं को संदेह नहीं है। और प्रश्न ये कि अगर कोई साजिशन कोई प्रोग्राम अगर चल रहा है, सरकार उसमें चाहती है कि इसकी जांच पड़ताल कर ले, वो अलग प्रश्न है, लेकिन ये कह देना कि साहब नहीं, सब लोग किसानों के हक में बोलेंगे या सब लोग किसान के खिलाफ बोलेंगे, ये तो फिलहाल ये नहीं हो सकता, ना ही सरकार की ऐसी कोई डायरेक्शन निर्देश हो सकते। जैसे अभी आंदोलनकारियों के खिलाफ भी आपने देखा कि पूरे देश भर में तो अलग अलग किसानों के ट्रैक्टरों के उनके ट्रैक्टरों सहित उनके किसानों की पूरी इंक्वायरी की गई, उनके रिकॉर्ड तैयार किया गया, जो आंदोलन में है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, जो लोग फौज के जो पानी दे रहे हैं उनके खिलाफ, जो डीजल दे रहे हैं उनके खिलाफ, जो भोजन दे रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो ये सरकार जो जिस तरह से ये भी एक बड़ा गेम चल रहा है कि मूवमेंट को कैसे खत्म किया जाए, कैसे तोड़ा जाए, तो ये बात है, सरकार का रुख कुछ और है, विपक्ष का कुछ और है। अगर कोई सरकार किसी ये मानती है कि देश के हित में कोई एक्शन किसी नेता का, किसी बड़ी हस्ती का है, किसी सेलिब्रिटीज का है, और उसकी जांच करने का उसको हक है, भाई जांच करना वो अलग प्रश्न है, लेकिन ये सबको आजादी है, हमें अपने अभिव्यक्ति की आजादी है, हर देश के नागरिक को है, वो हमेशा बनी रहनी चाहिए, वो सुरक्षित रहनी चाहिए, ये हमारे अधिकार इसमें नहीं है, ये हमारी मंशा है कि हम किसके हक में और किसके विरोध में, ये हम मुझे अधिकार है। लेकिन एक मांग करना कि भाई किसान अन्नदाता है, वो रात और दिन ठंड में रह के भी आपके लिए रात दिन मेहनत करके आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता है, आज वो संकट में है, और मैं अपील ये करूं कि आप आइए उनका साथ देने का काम करो, उनकी मदद करने का काम करो, और ये कानून जो है जो चल रहे हैं ये भी हमें नुकसान करने वाले हैं, और अन्नदाता की हिफाजत में हम लोग आए, तो ये अपील करना, ये मेरा निवेदन करना, ये मेरी बात, मेरा निजी विचार है, मेरी अपील हो सकती है, लेकिन ये कोई बंदिशन हो, कानून हो, सब सरकार इस पर अंकुश लगा दे, नहीं यही करना पड़ेगा, इसके खिलाफ बोलोगे, तो ये बात तो मैं नहीं समझता ऐसी कही गई होगी या ऐसा कोई निर्देश आया होगा।
ये मेरे नोटिस में नहीं है और नहीं ऐसा आ सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि छगन भुजबल का अब एक बयान इस समय काफी चर्चा में है। वो कह रहे हैं कि सेलिब्रिटीज को अब आगे आना चाहिए और किसानों के समर्थन में ट्वीट करना चाहिए। खैर, देखने वाली बात रहेगी कि उनके इस बयान के बाद अब महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में क्या कुछ भूचाल आता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, जिसके लिए मंगलवार को उन्हें सदन में विदाई दी गई। गुलाम नबी आजाद ने संसद में लंबी सियासी पारी खेली है। वो 5 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि 15 फरवरी को गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद कांग्रेस उच्च सदन में उनकी जगह किसे विपक्ष का नेता बनाएगी और साथ ही उनका सियासी भविष्य क्या होगा। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सदस्य हैं। राज्यसभा में 15 फरवरी के बाद जम्मू और कश्मीर का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। यहां से 4 राज्यसभा सदस्य हैं जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से अभी तक विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं, इसलिए वहां राज्यसभा की खाली सीटों पर चुनाव होना फिलहाल संभव भी नहीं है। इसी के साथ कयासबाजी तेज हो गई है कि गुलाम नबी आजाद की सदन में क्या वापसी होगी या फिर पार्टी आलाकमान उच्च सदन के नेता विपक्ष की कुर्सी पर किसी और नाम पर मुहर लगाएगा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता बनने की रेस में कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के करीबी और 2014 से लेकर 19 में कांग्रेस के लोकसभा नेता रहे मल्लिकार्जुन खड़गे की दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। सोमवार को राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद खड़गे ने ही मीडिया को संबोधित किया था, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्यसभा में विपक्ष की कुर्सी पर वो विराजमान हो सकते हैं। खैर, ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को ये जिम्मेदारी दी जाती है या नहीं। लेकिन राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही अब कांग्रेस के अगले कदम पर नजर बनी हुई है कि आखिर किस तरह से विपक्ष की कुर्सी पर बिठाया जाएगा, सदन में किसे विपक्ष का नेता बनाया जाएगा और वहीं उनका सियासी भविष्य क्या होगा। गुलाम नबी आजाद अपना सियासी भविष्य आगे क्या तय करते हैं, ये भी देखने की बात रहेगी कि आखिर किस तरह से वो आगे क्या कुछ अपने लिए रास्ता चुनते हैं। आपको बता दें कि एक लंबी पारी सदन में गुलाम नबी आजाद की तरफ से खेली गई है और आज उनका राज्यसभा में कार्यकाल जो है खत्म हो रहा है। राज्यसभा सदस्य के तौर पर उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसी के साथ देखने की बात रहेगी कि आगे उन्हें क्या कुछ जिम्मेदारी दी जाती है। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद 5 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि 15 फरवरी को गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद कांग्रेस उच्च सदन में किसे विपक्ष का नेता बनाएगी, साथ ही उनका सियासी भविष्य क्या होगा, ये भी देखने वाली बात है। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा राज्यसभा में उपकप्तान यानी उपनेता के तौर पर अभी आसीन है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि शायद G23 की फहरिस्त में शामिल होने के चलते अब उनकी ताजपोशी ना हो पाए। इसके अलावा अगर वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम और कांग्रेस पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह का नाम भी चर्चा में है। गुलाम नबी का सियासी अनुभव काफी पुराना है और गांधी परिवार के बेहद ही वे करीबी रहे हैं। इसके अलावा राजनीति में उनका लंबा अनुभव है। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। राजनीतिक विश्लेषक नेपाल सिंह जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सिंह, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, आज उनका विदाई भाषण भी हुआ जो सबने देखा, किस तरह से प्रधानमंत्री काफी भावुक भी हुए उनके साथ बिताए गए कुछ लम्हों को याद करके। अब सवाल यह है कि अब विपक्ष का नेता किसे बनाया जाएगा, कांग्रेस की तरफ से आगे क्या कुछ रणनीति तय की जा सकती है, और बड़ी बात यह है कि गुलाम नबी आजाद का सियासी भविष्य क्या कुछ कह रहा है। देखिए, जहां तक गुलाम नबी आजाद जी की बात है, मेरा अपना अनुभव ऐसा है कि गुलाम नबी जी से ज्यादा परिपक्व अभी कोई उस सदन में नेता नहीं है। बिल्कुल। उनका तजर्बा बहुत लंबा है, उनकी मर्यादा की सीमा बहुत लंबी है, उनकी सहजता का दायरा जो है वो बहुत बड़ा है और वो हमेशा एक नॉन कंट्रोवर्शियल व्यक्ति रहे हैं। और उनका सबसे अच्छी बात है कि वो एक बहुत ही छोटे प्रदेश से आने के बाद में भी उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बनाई। तो गुलाम नबी जी का सब्स्टिट्यूट अभी कांग्रेस में उस परिदृश्य में मिलना बहुत बड़ा एक चुनौती है। हालांकि चिदंबरम साहब है, दिग्विजय साहब है, लेकिन उनकी वो एक्सेप्टेबिलिटी दूसरे लोगों में नहीं है जो गुलाम नबी जी की एक्सेप्टेबिलिटी थी।
जहां तक अब आनंद शर्मा जी की बात आती है या पी चिदम्बरम जी की बात आती है, मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी को चांस मिला, क्योंकि आनंद शर्मा जी अभी कहीं ना कहीं जो है वो इस चर्चा में भाग हो गए थे कि शायद उन्होंने गांधी परिवार के खिलाफ एक विद्रोह करने के लिए पत्र पर साइन किए। बिल्कुल, चिदम्बरम जी आजकल बहुत अपने समस्या में उलझे हुए हैं, उनके पास लगा तो विपक्ष को गुद्दा ना बना ले, तो मुझे लगता है खड़गे साहब को ही शायद ये जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि ये जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को भी नहीं दी जाती, क्योंकि दिग्विजय सिंह का ये नहीं मालूम कि वो कब कौन सी बात और कहकर सदन को या सदन के नेताओं को या पार्टी को वो समस्या में डालते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन परिस्थितियों में शायद खड़गे साहब को ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और उनको शायद उसका लाभ उठाया जाएगा। बिल्कुल, तो डॉक्टर सिंह इस तरीके के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि केरल से दोबारा एंट्री की जा सकती है। गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा से रिटायरमेंट होने के बाद उन्हें दोबारा राज्यसभा के लिए करीब 2 महीने का इंतजार करना होगा और उधर केरल में भी 1 सीट खाली होनी है, तो ये भी क्या संभावनाएं हैं कि वहां से उनकी एंट्री करवाई जाए। हालांकि खुद राहुल गांधी अभी वहां से सांसद हैं तो थोड़ी मुश्किल तो है, लेकिन इस तरह की संभावनाएं नजर आ रही हैं। देखिए, कांग्रेस में आजकल बहुत असमंजस की स्थिति है, कोई निर्णय लेने वाला व्यक्ति नहीं है जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो भी टेम्परेरी है, राहुल गांधी जी को पता नहीं अभी राज्यभिषेक होगा या नहीं होगा, उनका पूरा दोबारा जो है वो अध्यक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो ऐसी स्थिति में कोई बहुत स्थायी चीज तो नहीं कही जा सकती, लेकिन ये कांग्रेस के हित में होगा यदि वो गुलाम नबी जी को कहीं दोबारा राज्यसभा में लेके आते। बिल्कुल, तो अभी जो हाल फिलहाल में स्ट्रॉन्ग जो कैंडिडेट है वो मल्लिकार्जुन खड़गे ही नजर आ रहे हैं डॉक्टर सिंह। मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का विश्वास उन्हीं में ज्यादा है, क्योंकि वो चिदंबरम को नहीं लाएंगे, चिदंबरम जी का आने के बाद में बहुत सारे डिस्प्यूट पैदा हो जाएंगे, विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाएगा और उसमें विश्वसनीयता और परिवार की निकटता का भी मुद्दा आ जाएगा, और आनंद शर्मा जी को मुझे लगता है कि शायद जो पीछे उनकी थोड़ी विश्वसनीयता के बारे में जो चर्चा चली है उससे शायद कांग्रेस परिवार उनको नहीं दोबारा अपॉर्चुनिटी देगा। बिल्कुल डॉक्टर सिंह, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, अगली खबर पर भी हमें आपके साथ ही चर्चा करनी है। तो आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद का आज राज्यसभा से रिटायरमेंट की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, 15 फरवरी उनका आखिरी जो दिन है, और इसके अलावा आज विदाई भाषण भी उनका रखा गया, जहां काफ़ी आज जो देखने को मिला कि किस तरह से भावुक लम्हे साझा किए गए, खुद उनकी आंखों में भी जो आंसू थे वो नजर आए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज काफ़ी भावुक नजर आए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के गाँव गुमथालगढ़ में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, इसमें प्रदेश भर से किसान जुटे रहे। किसान नेता राकेश टिकैत दोपहर 3 बजे गुमथालगढ़ अनाज मंडी पहुंचे, किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया। गुमथला की पंचायत ने राकेश टिकैत को सम्मानित किया। इसके बाद 3:05 पर टिकैत मंच पर पहुंचे। इससे पहले भाकियू के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह ने मंच से कहा कि सरकार ने किसानों के बीच फूट डालने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसान नहीं टूटे। महापंचायत के लिए किसान कार, ट्रैक्टर, ट्रॉली और बैलगाड़ी से पहुंचे। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क भी रही। पुलिस की तरफ से 5 नाके लगाए गए। महापंचायत को लेकर किसानों में काफी उत्साह और जोश नजर आया। अपील कहाँ करी, उन्होंने तो आंदोलन पर जी भी बताया तो नहीं बताना चाहिए, क्या महात्मा गांधी वो थे, क्या सरदार भगत सिंह परजीवी थे, ये देश के आंदोलनकारियों का अपमान था। अच्छा, वो नहीं करना चाहिए। दीप सिद्धू गिरफ्तारी हुई है सर? हाँ तो ठीक है, उसका मुकदमा होगा भाई, गिरफ्तारी होगी। राज्यसभा में प्रधानमंत्री द्वारा ये कहा जाता है कि जो जहाँ किसान अभी तक साथ दे चुके हैं, बावजूद उसके उस पर कोई बयान नहीं है, और ये कहा जाता है कि आंदोलन को परजीवी बता गया। परजीवी जी, उन्होंने ये भी कहा है, राकेश जी बोलते क्या, यहाँ तो सब आए ना, मैं इसीलिए तो आए यहाँ पे, आ तो गए ना, रुक गए आ गए। डॉक्टर सिंह का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सिंह, राकेश टिकैत आज कुरुक्षेत्र में आयोजित किसान महापंचायत में पहुंचे और भारी संख्या में वहां लोगों की भीड़ साफ तौर पर नजर आई। अब क्या भविष्य देख रहे हैं किसान आंदोलन का? हालांकि अब तो प्रधानमंत्री भी अपील कर चुके हैं कि आप आंदोलन खत्म कर दीजिए, एमएसपी जैसी थी वैसी ही रहेगी। देखिए पल्लवी जी, मेरा ऐसा मानना है कि किसान आंदोलन के अंदर खुद अपने एक आंदोलन चल रहा है जी। पहले ये आंदोलन की जो कमांड थी वो पंजाब और हरियाणा के नेताओं के पास थी। 26 जनवरी को जो भी हादसा हुआ, जो भी दुखदायक घटना हुई, उसके बाद में ये कहीं ना कहीं मोड़ मुड़ के गाजीपुर बॉर्डर की तरफ आ गया और उसमें टिकैत ने इसको अपने अंदर कमांड ले लिया, क्योंकि घटना ऐसी घटी थी जिसमें काफी कुछ
बहुत सारे जो है आशंकित हो गई थी और उनके नेतृत्व आशंकित हो गया था, तो उन नेताओं ने इसको थोड़ा बैकफुट पर जाना है उसे समझा और अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन इस बीच में मीडिया ने और जनप्रतिनिधि ने सब लोगों ने, चाहे वो लोकदल के लोग हों, राकेश टिकैत को एक सहारा दिया और उनको सहारा देने के लिए अपनी राजनीति को बल देने की कोशिश करी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी अजीत सिंह और उनके बेटे के द्वारा किया गया। राकेश टिकैत भी जानते हैं कि उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं है, जो लोग आए थे वो अजीत सिंह के थे या जयंत चौधरी के थे, राकेश टिकैत के वो लोग नहीं थे, ये राकेश टिकैत भी अच्छे से जानते हैं। लेकिन राकेश टिकैत अपनी उसको नेतृत्व को संभालने के लिए वो फिर वापिस हरियाणा और पंजाब का सहारा लेंगे, और जो बाकी नेता है पंजाब और हरियाणा से जिनके हाथ से ये आंदोलन फिर छिड़ते जा रहा था, लग रहा था टिकैत का आंदोलन हो गया है, वो फिर इस आंदोलन को जिंदा करने के लिए वापिस बजाय इसके आपके गाजीपुर बॉर्डर के वो सिंधु बॉर्डर पर जाना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको ये भी शंका कहने के लगती है कि टिकैत जी का पुराना इतिहास बताता है कि वो कभी भी किसी भी वक्त आंदोलन को खत्म करने की घोषणा करके वापस जा सकते हैं। तो इसलिए अपने हाथ में कमान रखने के लिए ये आंदोलन केंद्र फिर से सिंधु बॉर्डर बने, इसके हरियाणा और पंजाब में ही इस तरह की सभाएं की जाएंगी, फिर जनमानस को वहां इकट्ठा किया जाएगा, क्योंकि पश्चिम में और यूपी में अभी वो समर्थन नहीं मिल पा रहा सभी किसान उसका, जो समर्थन दो दिन चार दिन के लिए मिला था वो टिकैत जी के आंसू के ऊपर मिला था, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक दल राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव था, उसके वो वोट थे, अब वो वोट फिर बिखरते जा रहे हैं, उसमें फिर तकरार हो रहा है, कहीं जाके चुके लग रहा है कि मेरे परिणाम से राष्ट्रीय लोकदल तो जिंदा नहीं हो जाएगा, और राष्ट्रीय लोकदल को लग रहा है कि हमारे प्रयास से कहीं राकेश टिकैत तो जिंदा नहीं हो जाएगा, तो ये तो यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहेगी। तो इसलिए नेताओं का और आंदोलनकारियों का हमेशा मकसद ये रहेगा कि ये आंदोलन बजाय यूपी के हरियाणा पंजाब तक सीमित रहे, क्योंकि वहीं से चला था और वहीं से इस पर दबाव बने। तो डॉक्टर सिंह, ये किसान महापंचायत में जो इतने लोग एकत्रित होते हैं या फिर बॉर्डर्स पर जो इतने लोग बैठे हुए हैं, उन्हें क्या माना जाए? क्या वो वाकई में भोले भाले किसान हैं जिन्हें भैला फुसला कर वहां पर ले जाकर अभी बिठाया गया है, या फिर ऐसा मान लिया जाए कि तमाम किसी छोटे मोटे राजनीतिक दलों के ये लोग हैं जिन्हें आने वाले भविष्य में अपनी सियासत चमकानी है? देखो पल्लवी जी, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एक लोकसभा में करीब 16-20 लाख वोट होती है जी। यदि आप पश्चिम की दो विधानसभा लें, सॉरी लोकसभा ने बागपत और मुजफ्फरनगर, तो ये करीब करीब जो है एक 16 लाख की होगी तो एक 20 लाख की होगी, तो करीब 36 लाख की ये विधान लोकसभा हो जाती है। और यदि आप अजीत सिंह का और जयंत चौधरी जी का डाटा लें तो 4 लाख के करीब एक को वोट मिले हैं, 4.5 लाख के करीब एक वोट मिली है, तो उनके पास 8 लाख वोट तो है ही ना इसमें दो लोकसभा में। हालांकि वो हार गए, लेकिन दो लोकसभा में 8 लाख, उनमें से 8 लाख वोट में 50,000 आदमी लाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता, क्योंकि पंचायत के चुनाव आने हैं, जिला पंचायत के चुनाव आने हैं, फिर असेंबली चुनाव आने हैं, तो एक टिकटार्थी की ड्यूटी भी लगाई जाती है कि आपको 15 आदमी लेके आना है, 15 आदमी भी यदि टिकटार्थी है तो काफी बड़ी भीड़, हिंदुस्तान भीड़ इकट्ठा करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं। ठीक है, यानी कि ये भीड़ इस समय जो इकट्ठी हो रही है वो सरकार पर कोई दबाव डाल पाएगी? देखिए 26 जनवरी से पहले का जो किसान आंदोलन था वो अब नहीं रहा है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी जो लोग एकत्रित हैं क्या वो कांग्रेस पर दबाव सरकार पर दबाव बनाने में सफल हो पाएंगे? पल्लवी जी, इसको ऐसा समझिए कि जो दबाव का समय था उन्होंने खुद खो दिया। यदि 26 तारीख को ये लोग ये इस चीज में ना उलझते, ये कह देते, अपील कर देते कि हम सरकार का नहीं सम्मान करते हैं, हम राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं, लाल किले का सम्मान करते हैं, गणतंत्र दिवस का सम्मान करते हैं, इसलिए क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हुई इसलिए हम दिल्ली नहीं आएंगे, ताकि हमारे गणतंत्र की और हमारे देश के लोकतंत्र की इस पर कोई धब्बा ना लगे, तो जनमानस इनके साथ उमड़ जाता। लेकिन जब ये डिस्प्यूट में आ गया तो अब वो इस बैकग्राउंड पर जा चुके, अब वो दोबारा आक्रमकता पर नहीं आएंगे। आक्रमकता में आएंगे तो जनता में पहले से ही आक्रमकता के खिलाफ बहुत एंटी सेंटीमेंट चल रहा है, अब आक्रमकता में तो आ सकते हैं, और सरकार पे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक महीना और दो महीना और बैठे रहे तब तक अपने अभी जैसे पश्चिम में जिला के चुनाव हो जाएंगे, पंचायत के चुनाव हो जाएंगे, गांव के चुनाव हो जाएंगे, ज्यादातर लोग अपने किसान पास चले जाएंगे, फिर लोग विधानसभा चुनाव आएंगे तो लोग वापस चले जाएंगे, वो भी राजनीति कहीं ना कहीं जुड़े हैं, चाहे गांव के राजनीति जुड़े हैं या जिला पंचायत के राजनीति जुड़े हैं। तो मेरा यह है कि एक ऐसी ढाल में, और दूसरी बात, अब उनको ना तो लोकसभा के अंदर कोई बहुत समर्थन मिल पा रहा, क्या बात कहे, एक 3 बिल वापस होने चाहिए, सरकार ने स्पष्ट कर दिया भाई ये तो बता दो काला क्या है, अब काला कैसे बताया जाए कि साहब इनको वापस कर लिया जाए, इस पर तो बहस नहीं हो सकती। कौन कानून लोकतंत्र में पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून लोकसभा में बहस के बाद ही वापस हो सकते हैं। हाँ, डेफर करने के लिए सरकार पहले तैयार है, मॉडिफिकेशन करने के लिए सरकार पहले तैयार है,
प्रधानमंत्री ने खुद घोषणा कर दी कि ना पहले एमएसपी का वादा हटाने का था, ना आज हटी ना कल को हटेगी, तो उन्होंने अपनी स्पष्टता दे दी है, ना पहले में एमएसपी कानून था, ना आज कानून है, ना कल कानून रहेगा। तो धीरे धीरे इसमें से मुझे ऐसा लगता है ये सरकार इसमें लंबा समय लेगी और इनके खिलाफ 26 तारीख की जो एंटी सेंटीमेंट्स उठी थी उनका वो फायदा उठाएगी और धीरे धीरे ये आंदोलन कमजोर होता चला, क्योंकि जो फाइनेंस करने वाले लग रहे हैं, चाहे वो व्यक्तिगत लग रहे हैं, चाहे वो समूह में लग रहे हैं, कोई बाहर से हो रहा है या देश से हो रहा है, मुझे इसके बारे में तो नहीं पता, देखो धीरे धीरे कमजोर हो जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नेपाल सिंह आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन एक तरफ लगातार जारी है, वहीं राकेश टिकैत जगह जगह आयोजित हो रही किसान महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं, जहां उन्हें भारी जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक बार फिर मराठी भाषा को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मराठी भाषा बोलने को लेकर विवाद मच गया। ताजा मामला मुंबई से सटे नवी मुंबई शहर का है, जहां टोल नाके पर मनसे नेताओं ने युवक की जमकर कर दी। दरअसल टोल नाके पर मनसे कार्यकर्ताओं ने एक उत्तर भारतीय को मराठी में बात करने के लिए कहा, लेकिन उस युवक को मराठी भाषा नहीं आती थी। वहीं उस जगह पर मौजूद दूसरे मराठी युवक ने कहा कि यह सीख जाएगा, बावजूद उसके मनसे कार्यकर्ताओं ने उसकी जमकर पिटाई की और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक राज ठाकरे को टोल नाके पर काम कर रहे मराठी युवक ने अपशब्द कह दिया था, जिससे नाराज महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने सरेआम उस जमकर उसकी पिटाई की और अपमानित किया, जिसे लेकर महाराष्ट्र में अब राजनीतिक सियासत तेज हो गई है। बीजेपी उत्तर भारतीय नेता अमरजीत मिश्रा ने मनसे कार्यकर्ताओं की कड़े शब्दों में निंदा की और महाराष्ट्र सरकार से इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की मांग की। और आइए अब आपको दिखाते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें आपने देखी और इससे पहले हम आपको खबर बता रहे थे कि किस तरह से मनसे कार्यकर्ताओं की दबंगई खुलकर सामने आई है। टोल नाके पर जो कर्मचारी थे उनके साथ मारपीट की गई है, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये वीडियो वायरल हुआ है। उसको लगा वो वीडियो नहीं निकल रहा है, इसलिए कुछ भी बोल रहा है। कुठल्या टोलवर बोला ते बोल ना, कुठल्या टोल होता धरून आणलं ना बोलने पर एक युवक के साथ मारपीट का ये वीडियो इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। मराठी भाषा को लेकर मनसे के कार्यकर्ताओं का ये तांडव, टोल नाके पर कार्यरत कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट की गई। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुरारी सिंह इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, आपसे जल्दी से जवाब चाहेंगे, ये वीडियो इस समय वायरल हो रहा है, टोल नाके पर कार्यरत एक कर्मचारी के साथ मारपीट की गई और वजह बस इतनी सी थी कि उसे मराठी भाषा बोलने नहीं आती। जी बिल्कुल सही कहना है, आपको बता दें कि मराठी मुद्दा को लेकर के मनसे काफी सक्रिय है और इसी कड़ी में मुंबई से सटे न्यू मुंबई के टोल प्लाजा पर मराठी न बोलने पर जो मनसे के कार्यकर्ता थे वो उसकी पिटाई की और उसे ऑफिस में बुलाकर उसके साथ में बदसलूकी किए हैं, जिसे लेकर के उत्तर भारतीय नेता और मनसे नेताओं के बीच में अब बयानबाजी भी शुरू हो गई है और वहीं पुलिस इस वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जाँच कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मनसे कार्यकर्ताओं का तांडव एक बार फिर से देखने को मिला। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।